हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल एम प्रिपरेशन ट्वेंटी ट्वेंटी वन कल मैंने आपको सोलर सिस्टम कराया था आज उससे रिलेटेड उसके एम सी क्यूज़ है जोग्राफ़ी पार्ट टू सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आर फर्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन आर सोलर सिस्टम सो हमें पता है हमारे प्लानट में एट सोलर सिस्टम है सॉरी एट प्लान हैं कौन कौन से मर्क्यूरी मर्क्यूरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटन यूरानस एंड नेपट्टीन दीज ऑल आर आर प्लानट्स ये हमारे प्लान्स हैं नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इन विच ईयर प्लूटो इज़ रिमूव्ड फ्रॉम आवर प्लानट्स लिस्ट प्लानट्स लिस्ट से उसे रिमूव कर दिया उसे डो ऑफ प्लानट लिस्ट में डाल दिया गया तो ये कौन से ईयर में किया गया ये टू थाउजेंड सिक्स में किया गया विच ऑर्गेनाइजेशन रिमूव्ड प्लूटो फ्राम द लिस्ट कौन से ऑर्गेनाजा ऑर्गेनाइजेशन ने प्लूटो को रिमूव किया था दैट इज़ आई ए यू इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन क्यों रिमूव किया था बिकॉज ऑफ टू रीजन्स पहला रीज़न ये था इट्स साइज उसकी साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल थी एंड द सेकेंड रीज़न इज एक्सिस डेविएशन वो अपने एक्सिस से अपने पाथ से डेविएट कर रहा था नेक्स्ट वॉट इज़ द नेम ऑफ आर गैलेक्सी वेरी इजी क्वेश्चन मिल्की वे वी नो विच टाइप ऑफ गैलेक्सी इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी मैंने आपको बताया था तीन टाइप की गैलेक्सीज होती हैं एलेप्टल स्पायरल एंड इरेगुलर सो मिल्की वे इज द स्पायरल गैलेक्सी नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द बिगेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस मैंने आपको डिस्टेंस की तीन यूनिट्स पढ़ाई थी पहला जो था हमारे पास डिस्टेंस का यूनिट वो था लाइट uh, ईयर दूसरा था दैट इज़ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड तीसरा मैंने आपको पढ़ाया था पारसेक सो पारसेक ही वो यूनिट है जो कि बिगेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस है नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लू कलर ऑफ स्टार इंडिकेट्स जब भी स्टार का आपको ब्लू कलर दिखे इसका मतलब ये है कि इट ज अ मैक्सिमम टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा हॉट है एंड उसका टेम्परेचर मैक्सीम है नेक्स्ट नेम द ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम ब्राइटेस्ट स्टार है सीरियस एंड उसे डॉक स्टार भी कहा जाता है नेक्स्ट नेम द क्लोजेस्ट स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम हमारा सन सॉरी हमारे सोलर सिस्टम का जो क्लोजेस्ट स्टार है दैट इज प्रोक्मा सेंचुरी नेक्स्ट हु फर्स्ट डेमॉन्स्ट्रेटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ गैलेक्सीज़ बियॉन्ड द मिल्की वे गैलेक्सीज किसने बताया किसने डेमॉन्स्ट्रेट किया कि मिल्की वे जो हमारी गैलेक्सी है उसके बाद भी और भी गैलेक्सीज हैं इट इज़ ही इज़ एडबिन हम्बल इन नाइनटीन ट्वेंटी फ़ोर ईयर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नाइनटीन ट्वेंटी फ़ोर में हमें पता चला था नेक्स्ट नेम द नीयरेस्ट नेम द नियरस्ट गैलेक्सी टू आवर गैलेक्सी जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है उसके नियरेस्ट जो गैलेक्सी है उसका नाम बताना है आंसर इज एंड्रो मेडा नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ स्टार्स को कॉन्स्टलेशन कहा जाता है चाइल्ड क्वेश्चन है नॉर्थ बिग डील ओके नेक्स्ट नेम द नियरेस्ट प्लानट टू द सन एंड द स्मॉलेस्ट प्लानट सो फर्स्ट जो हमारा प्लानट है वो ऑब्वियसली नियरेस्ट है सन के दैट इज़ मर्क्यूरी एंड वही सबसे स्मॉलेस्ट प्लानट भी है विच प्लान हैज़ अ फास्टेस्ट रेवोल्यूशन टाइम सो मर्क्यूरी ही ऐसा प्लानट है जिसका रेवोल्यूशन टाइम फास्टेस्ट है एंड उसका रेवोल्यूशन टाइम है कितना है गाइस आप लोगों को याद है या नहीं उसका रेवोल्यूशन टाइम है एटी एट डेज एट्टी एट डेज में वो पूरा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच प्लान इज़ नॉन एज रोमन गॉड ऑफ कॉमर्स कॉम में डबल एम आ रहा है कॉमर्स में तो वहाँ से मर्क्यूरी याद रखेंगे दिस इज ऑल द ट्रिक्स ओके सो रोमन गॉड ऑफ कॉमर्स मर्क्यूरी को कहा जाता है नेक्स्ट नेम द ब्राइटेस्ट प्लानट ब्राइटेस्ट प्लानट इन द नाइट स्काई जो कि हम बोलते हैं जो कि हमें एक स्टार की तरह लगता है आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसके बाद जैसे हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं विच इज़ नॉट अ स्टार इट इज़ अ प्लानट बट हम उसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं आंसर इज विनर्स ऑफ बोथ द क्वेश्चंस

नेम द थर्ड नीरेस्ट प्लानट टू द सन ये अगर सिर्फ यहाँ तक क्वेश्चन आए थर्ड नियरेस्ट प्लानट टू द सन तक ही लिखा क्वेश्चन यू कैन ईजली फाइंड आउट कि मर्क्यूरी होता है देन वी हैव वीनस एंड अर्थ तो अर्थ इज़ द थर्ड नंबर पर आ जाएगा ठीक है बट अगर क्वेश्चन आ गया नेम द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानट सो इट इज़ योर अर्थ वहाँ पर आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे आपको याद रखना है फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानट इज़ द अर्थ मार्स इज ऑल्सो नॉन एज रेड प्लानट मार्स को रेड प्लानट भी कहा जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ किसके प्रेजेंस के कारण उसे ऐसा कहा जाता है इट इज आयरन ऑक्साइज गाइज प्लीज हिट लाइक ओके नेक्स्ट स्लाइड विच प्लानिट इज कॉल्ड रोमन गॉड ऑफ वॉर वॉर एम ए आर मा एम ए आर एस मार्स होता है अगर आप मार्स का एम ए आर ले लोगे और वॉर का डब्ल्यू ए आर तो ये एक जैसा ही है वॉर मार्स वॉर मार्स तो आप ऐसे याद रख सकते हो रोमन गॉड ऑफ वॉर मार्स बिटवीन विच टू प्लानट एस्ट्रॉइड बेल्ट इज ये गम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपको कल के भी इसमें नहीं कराया था शायद सो so, यार एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है ये कौन से दो प्लैनेट्स के बीच में प्रेजेंट है इट इज़ मार्स एंड जुपिटर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ द लार्जेस्ट प्लानट ऑफ आर सोलर सिस्टम वेरी इजी क्वेश्चन जुपिटर हाउ मेनी मून्स जुपिटर हैज़ जुपिटर हैज़ सेवेंटी फाइव मून्स नेम द लार्जस्ट सेटेलाइट ऑफ जुपिटर लार्जस्ट सेटेलाइट ऑफ जुपिटर इज गायन गायन मीड नेक्स्ट नेम देंड लार्जस्ट प्लानट तो हमारा फर्स्ट लार्जस्ट प्लानट हो गया हमारा फर्स्ट लार्जस्ट प्लानट हो गया जुपिटर सेकेंड लार्जस्ट प्लानट हो गया सैटन एंड हमारा फिफ्थ लार्जस्ट प्लानट हमने देखा अर्थ एंड स्मॉलेस्ट प्लानट वॉज सॉरी इज मर्क्यूरी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी मून्स डटन हैज़ सैटन में कितने मून्स है तो सैटन में एट्टी टू मून्स हैं एंड सैटन ही वो प्लानट है जिसपे सबसे ज़्यादा यू कैन से और नेचुरल सेटेलाइट और मून प्रेजेंट है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस कौन से प्लैनेट पे सबसे ज़्यादा मून्स uh, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सैटन लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सैटन इज कॉल्ड टाइटेन नेक्स्ट यूरानस इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन प्लानिट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरानस को ग्रीन प्लानट कहा जाता है क्यों कहा जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मिथेन गैस मीथेन गैस के जगह कहीं ऐसा ना हो कि लिखा हो सी एच फोर अगर आप बोलोगे ऑप्शन ही नहीं है तो सी एच फोर इज़ ऑल्सो उसी को मीथेन कहा जाता है राइट विच प्लानट इज़ ऑल्सो नॉन एज एंशियन ग्रीक गॉड एंशिय ग्रीक गॉड किसे कहा जाता है इट इज़ यूरानस हमने देखा एक रोम रोमन गॉड ऑफ कॉमर्स था तो एम था डबल एम था मर्क्यूरी हो गया रोमन गॉड ऑफ वॉर था तो वॉर और मार एम ए आर हमने एक जैसा कर दिया मार्स हो गया एंड दिस इज एंशंट ग्रीक गॉड इट इज़ यूरानस ग्रीक गॉड में यूरानस नेक्स्ट स्लाइड नेम द फर्स्ट प्लानेट फाउंड यूजिंग अ टेलीस्कोप गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड अ वेरी गुड क्वेश्चन आंसर इज यूरानस विच इज़ द कोल्डेस्ट एंड द विडियस्ट प्लानट ऑफ आर सोलर सिस्टम इट इज़ नेपट्ट्यून नेपट्ट्यून जो है हमारा कोल्डेस्ट एंड द वंडियस्ट प्लानट है नेम द ओनली स्पेस क्राफ्ट मैंने कहा था ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपसे पूछा जा सकता है नेम द ओनली स्पेस क्राफ्ट विजिटेड नेपट्ट्यून इट इज़ वोएगर टू वोएगर टू नेम द नियरेस्ट प्लानट टू द सन हाँ मुझे ये एक्सप्लेन करना था एक क्वेश्चन इट इज़ अ वेरी यूनिक क्वेश्चन एंड बहुत बच्चों का गलत होता है जो पढ़ के नहीं जाते बहुत का गलत होता है जैसे आपको पता है मर्क्यूरी है वीनस अर्थ है एंड मार्स है तो दिस इज योर अर्थ ओके दिस इज़ योर अर्थ अर्थ के बगल में आपके इधर वीनस है इधर मार्स है हाउ विल यू डिसाइड कि कौन ज़्यादा पास है उसके सो so, वीनस ज़्यादा पास है याद रखेंगे वीनस ज़्यादा पास है एंड वीनस के बारे में एक और क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है हॉटेस्ट प्लानट ओके वीनस इज द हॉटेस्ट प्लानट जबकि मर्क्यूरी क्लोजेस्ट टू द सन है बट हॉटेस्ट वीनस है गाइज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कल का रिविज़न कराया है डोंट थिंक कि ऐसे ही बना के दे दिया है फालतू वीडियो नो no, गाइज आपको अभी रिविजन की बहुत ज़रूरत है और हमारा जो स्पीड है इट इज़ गुड इट इज़ गुड इंग्लिश में जो आप बोल रहे थे डालने के लिए वीडियोज़ इंग्लिश की वीडियोज़ में अभी स्टार्ट नहीं कर रही हूँ उसको इंग्लिश की वीडियोज़ जो है मेरे पास पूरा प्रजेंटेशन प्रिपेरड है वो मैं पंद्रह दिन में आपकी इंग्लिश ग्रामर वाला पार्ट है जिसमें आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस टेंस ये सब क्लियर हो जाएगा जिसमें मैं आपको स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन कर दूँगी कैसे बनाते हैं रूल्स एक्सप्लेन कर दूँगी गाइज प्रैक्टिस आप ही को करनी पड़ेगी साफ़ मतलब मैं ये नहीं रख रही हूँ कि मैं आपको धोखे में रखूँ या कंफ्यूज करके रखूँ कि मैम अभी कराएगी प्रैक्टिस नो no, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी मैं आपके सामने स्ट्रक्चर्स रखूंगी रूल्स रखूंगी कंसेप्ट रखूंगी कुछ एग्जाम्पल्स भी दे दूंगी ओके okay? लेकिन उसके आगे कुछ नहीं मैं प्रैक्टिस नहीं कराऊंगी प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी सो या गाइज दिस इज़ टू डे इज़ वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट डाउन आपको और क्या क्या चाहिए प्लीज़ कम एंड डाउन एंड हाँ मुझे एक स्ट्रैटी पूछ रहा पूछ आई डोंट नो कि वो गर्ल थी या बॉय था बट स्ट्रैटी के बारे में पूछ रहा था मैं स्ट्रैटेजी पर वीडियो जल्द ही ले कर आऊँगी जल्द ही ले कर आऊँगी बट गाइज अभी आप लोग जो फॉलो कर रहे हो उसे फॉलो करो रिवाइज़ करते रहो जो पढ़ रहे हो ओके या गाइज एंड टर्न ऑन नोटिफिकेशन थैंक यू वंस अगैन फॉर वॉचिंग कीप सपोर्टिंग